मेरे भाइयों, दुनिया का एक ऐसा लौता मंदिर जहाँ सिर्फ चमत्कार ही होता है, जहाँ पर मुर्दा भी उठ खड़ा होता है और बेजुबान भी बोलने लगता है। एक ऐसा मंदिर जो मांगो वो मिलता है, वहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ वापस नहीं आता है। चमत्कार चमत्कार और सिर्फ चमत्कार, वहाँ पर दिन रात ही होता है चमत्कार। वो भगवान तो नहीं, लेकिन किसी भगवान से कम भी नहीं है। श्री कृष्ण ने दिया था उनको वरदान, आज कलयुग में सिर्फ उन्हीं की जय जयकार होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार उनके दरबार पर कोई पहुंच गया, वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। उस मंदिर में दर्शन होने के बाद दुख ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि सूरज के आने के बाद कोहरा चढ़ जाता है। और इसी के साथ, चाहे कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो, एक बार वो इनके दरबार पर पहुंच गया तो वो कभी जिंदगी में किसी का बुरा करने की सोच भी नहीं सकता। ऐसा माना जाता है, जाता वही है उनके दरबार में जिसे वो खुद बुलाते हैं, और दर्शन उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें वो खुद दर्शन देते हैं। उनके दरबार पर पहुंचते ही मन में जो सोच लो वो 2 मिनट में पूरा हो जाता है। अब तक मेरे भाइयों, आपको समझ में ही आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सीकर जिले में खाटू के अंदर खाटू श्याम बाबा की। आप सोचेंगे कि वास्तव में चमत्कार होता है या लोग ऐसे ही झूठी कहानियां बनाते हैं, तो मेरी इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। श्याम बाबा ने कैसे चमत्कार किया, कैसे श्याम बाबा ने सबकी जिंदगी बदल दी, और इसी के साथ जो रोता हुआ गया वो क्यों मुस्कुराता हुआ आया, श्याम बाबा के सारे चमत्कार की कहानी मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए उससे पहले खाटू श्याम मंदिर के बारे में जानते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में बाबा श्याम का एक विशाल मंदिर है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। चमत्कार की आस लेके बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए यहां पर बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। बाबा श्याम के दर्शन के लिए कई बार तो भक्तों की बहुत ही ज्यादा भीड़ भी लग जाती है। भक्तों को कई घंटे इंतजार करना पड़ता है, लेकिन कहा जाता है एक बार वहाँ पहुँचने के बाद आदमी सिर्फ और सिर्फ खाटू श्याम बाबा का होके रह जाता है। भक्तों को कई घंटे इंतजार करने के बाद भी उन्हें थकान महसूस नहीं होती है, और ना ही उसे ऐसा लगता है कि वो दर्शनों के लिए इंतजार कर रहा है। बाबा पलक झपकते ही बड़े से बड़ा काम कैसे पूरा करवा देते हैं, कैसे उनके चमत्कार के बड़े बड़े लोग भी कायल हैं, वो भाइयों मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले खाटू श्याम बाबा के बारे में जान लेते हैं। मेरे भाइयों, हिंदू धर्म के अनुसार बाबा श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। महाभारत काल से ही बाबा श्याम का होने का सबूत मिलता है। महाभारत में भीम के पुत्र घटोत्कच थे और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक से खुश होकर श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि तुम कलयुग में घर घर में पूजे जाओगे और मेरे नाम से भी जाने जाओगे। मान्यता है कि एक बार कोई भी खाटू श्याम के दर्शन कर लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगता है वो उन्हें दे देते हैं। तो मेरे भाई और बाबा को समझने के लिए मैं पहले आपको महाभारत काल में लिए चलता हूँ। बताया जाता है कि महाभारत काल में बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। माना जाता है कि बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने कौरवों और पांडवों के बीच में खड़े होकर कहा था कि जो युद्ध में हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। बर्बरीक की इस घोषणा के बाद श्री कृष्ण भी टेंशन में पड़ गए थे, क्योंकि श्री कृष्ण अच्छे से जानते थे अगर कौरव हारते नजर आए तो पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और जब पांडव हारते हुए नजर आए तो बर्बरीक उनका साथ देगा। इस तरह तो दोनों तरफ की सेना ही खत्म हो जाएगी और युद्ध किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए एक तरीका निकाला। उन्होंने ब्राह्मण का रूप बदलकर उनसे भिक्षा मांगने चले गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप भिक्षा दे ही नहीं सकते। तब उसी टाइम बर्बरीक ने कहा कि आपको जो मांगना है मांग लीजिए। श्री कृष्ण ने उनसे उनका सर ही मांग लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना सर श्री कृष्ण को दान में दे दिया था, जिससे श्री कृष्ण ने खुश होकर उनको वरदान दिया कि तुम्हें कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगा, तुम्हारे दर्शन करते ही लोगों के दुख खत्म हो जाएंगे। माना जाता है कि कलयुग के शुरुआत से ही बाबा श्याम यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं आपको बाबा श्याम के चमत्कार के बारे में भी बता देता हूँ। माना जाता है कि एक बार बाबा श्याम के दर्शन कर लिए जाए तो जो मन में मुराद है वो भी पूरी हो जाती है। इतना ही नहीं, कोई भी रुका हुआ काम हो या कोई रोग हो तो बाबा के दर्शन के बाद 2 मिनट के बाद सही हो जाता है। यही रीजन है कि बाबा श्याम को पूजने वाले भारत में ही नहीं दुनिया के कोने कोने में भी मौजूद हैं। बाबा को 3 बाणधारी, नीले घोड़े वाला, हारे का सहारा, शीश के दानी बहुत ही नामों से जाने
माने जाते हैं। खाटू श्याम मंदिर के पास एक श्याम कुंड भी है। माना जाता है कि बर्बरी कसर इसी कुंड में से निकाला गया था और यहाँ पर भक्त लोग नहा कर भी आगे अपने बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। और इसी के साथ भाइयों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आधे से ज्यादा भक्त लोग तो रिंगत से बाबा श्याम का निशान भी उठाते हैं और खाटू श्याम मंदिर तक उस निशान को पैदल लेके जाते हैं जो 17 किलोमीटर की होती है। खाटू श्याम मंदिर से 1.5 से 2 किलोमीटर पहले आता है एक तोरण द्वार। तो मेरे भाइयों खाटू श्याम आने के लिए आप चाहे कहीं से भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको रिंगत आना पड़ेगा। उसके बाद रिंगत से खाटू श्याम बाबा की दूरी रह जाती है 18 किलोमीटर की और कई भक्त लोग तो रिंगत से खाटू श्याम मंदिर तक डीजे बजाते हुए नाचते हुए भी जाते हैं मेरे भाई, और ऐसे पता ही नहीं लगता कि कब बाबा श्याम का दरबार आ गया। बाबा श्याम के दरबार के आसपास आपको बहुत ही सारी मार्केट देखने को मिलेगी जिसके अंदर आप बाबा श्याम के चढ़ावे के लिए चूरमे का प्रसाद भी ले सकते हो। तो मेरा भाई और फाइनली मैंने श्याम बाबा के दर्शन कर लिए होंगे और इसी के साथ आपने भी श्याम बाबा के दर्शन करे होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था मेरी इस वीडियो में। मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो ना करो, लेकिन मेरा भाई जाते जाते मेरे इस चैनल के कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख के जाना।